back to my channel. It's me Shalini. तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ my current favorites. Okay, तो मैं इस current favorites में आपको related to fashion, makeup, skin care, hair care वगैरह सब दिखाऊंगी. And guys, end तक बने रहिएगा, cause there'll be a giveaway जो कि मैं करने वाली हूँ my first giveaway on my channel on hitting 1K subscribers. So yeah, make sure कि आप वीडियो को पूरे end तक देखें, सारे rules, regulations follow करें इस giveaway में participate करने के लिए. अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ मैं, डायरेक्टली आपको दिखा देती हूँ मेरे current favorite items. तो फर्स्ट फैशन आइटम है ये मेरी विंडशीटर जैकेट विच आई गॉट इट फ्रॉम शीइन. ये अभी स्प्रिंग सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आई एम रियली लविंग दिस लेटली, लाइक मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं, इनफैक्ट आई एम वियरिंग दिस ऑन द रेगुलर बेसिस. इट्स लाइक अ जिपर वन एंड इसके अंदर एक हुडी भी मिल जाती है आपको. तो सेकेंड आइटम है ये बैकपैक विच आई गॉट इट फ्रॉम क्लब फैक्ट्री. आई विल फाइंड आउट द लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो. व्हेनेवर आई गो फॉर अ शूट आई टेक दिस बैग. इसके अंदर मेरा कैमरा एंड 2 से 3 आउटफिट्स आ जाते हैं. इसमें मेरा मेकअप आ जाता है एंड आई टेक इट फॉर माय वर्क एज वेल. देखिए आप इसके अंदर फर्स्ट कंपार्टमेंट ये है, फर्स्ट जिपर ये है. ये छोटा सा है तो इसके अंदर आप अपनी कीज वगैरह, कुछ लिप बाम एंड पेन वगैरह डाल सकते हैं. एंड सेकेंड जिपर ये है जो ये है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वाला है. इसके अंदर ज़्यादातर मैं अपना ये रखती हूँ पॉकेट परफ्यूम, हैंड सैनिटाइजर एंड पेपर स्प्रे. तो या मैं इसके अंदर ये चीज़ रख लेती हूँ. एंड द बिग एंड द मेन कंपार्टमेंट इज दिस, एज यू कैन सी. तो जैसे ये आया है ना मेरे पास, मेरी आई एम लाइक सॉर्टेड. मुझे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती. लाइक आई हैव बंच ऑफ स्लिंग बैग्स जस्ट लाइंग इन माई वार्डरोब. वो बस तब से रेस्ट ही कर रहे हैं जब से ये बैग आया, बिकॉज मैं उसको डेली ले जाती हूँ. तो थर्ड आइटम जो है वो है सन ग्लासेस एंड प्लेन ग्लासेस. एंड आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद द सन ग्लासेस. सो माई करंट फेवरेट्स आर 3 of them, let me show you. Okay, so first one is this heart-shaped pink sunglasses and I got it from the H&M. Oh my god, सब कुछ गुलाबी नजर आ रहा है मुझे. So second one is this. This is a sort of a cat eye wala and this also I got it from Club Factory. Like dono shades barabar se hoge, like wo pink mein hai and this is in red color. तो लास्ट वाला है जो है वो सन ग्लास नहीं है, वो प्लेन ग्लास है. लेट मी जस्ट शो यू. इट्स इन द एविएटर स्टाइल एंड आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़न. आई एम थिंकिंग कि मैं अपना आई साइट का एविएटर वाले में इसी फ्रेम में बनवा सकती हूँ. इट विल लुक गुड ऑन मी, आई थिंक सो. सो या दिस इज द थर्ड वन. ओके सो द लास्ट आइटम इन द फैशन कैटेगरी इज, लेट मी जस्ट शो यू, is this nude pumps. Nude pumps ऐसे हैं जो आपके हर outfit के संग जाते हैं, और ये nude pumps भी ऐसे हैं जो आपके party wear, formals, office और किसी भी, मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो भी आप इनको कैरी कर सकते हो, फिर आप गोइंग फॉर अ पार्टी तो भी आप इनको कैरी कर सकते हो. तो लाइक मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा पहन रही हूँ एंड आई एम लविंग इट सो मच. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ड्रेस बेरी and I think I got it in 800 or 900 bucks. तो मुझे तो लगता है कि 800-900 रुपए मैंने पूरे वसूल कर लिए हैं पहन करके. These are my fashion favorites. Now just move on to my makeup and skincare favorites. So first one is this, which I am loving a lot lately. Like, मुझे ये palette लिए हुआ I think 2 months हो गए हैं. This is from the Nykaa के brand and it has 7 shades for contouring, for concealer, for correcting. All the shades are available in one palette and you're just sorted, and it's so travel friendly that you don't need different pots for different kind of your concerns. You can just take this palette and you'll be just sorted. मैंने निका के उठाया, like अगर आप नायका पे जाके देखेंगे तो देर आर बंच ऑफ ब्रांड्स जिसके अंदर पूरा करेक्टर एंड कंसीलर का पैलेट मिलता है. तो मुझे स्टार्टिंग में अफोर्डेबल वाला चाहिए था, तो आई थिंक ये अंडर 500 rupees है. सो या आई एम रियली लविंग इट अलॉट, और ये काफ़ी अच्छा है. लाइक इट हैज़ अ क्रीमी टेक्स्चर तो ये इजिली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है. सेकेंड फेवरेट इज लिपस्टिक्स. इट्स लाइक वन लिपस्टिक एंड ऑल्सो इट्स लाइक बंच ऑफ लिपस्टिक्स. सो फर्स्ट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट जो इंडिविजुअल लिपस्टिक है, तो ये है फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन एंड इट्स इन द शेड नटी कुकी, जो कि मैंने आज लगा रखी है.
और ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल. आई रियली डोंट नो व्हाई, बिकॉज शायद इसलिए बिकॉज ये ऑफिस पर्पस के लिए भी चले जाता है एंड अगर आपको इंस्टेंटली उसके बाद कहीं पार्टी या कहीं पे जाना हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो. सो या आई एम रियली लाइकिंग दिस अलॉट. अगर आपको ऑफिस पर्पस के लिए चाहिए तो आप यू जस्ट पुट इट ओनली वन स्ट्रोक, लाइक हल्का लाइट सा लगा लीजिए एंड यू बी सॉर्टेड. उसके बाद आपको कहीं बाहर जाना है तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हो. इट्स लाइक अ चॉकलेट ब्राउनिश वाला शेड. आई एम रियली लाइकिंग इट अलॉट, लाइक फॉर डेली पर्पस, फॉर ऑफिस वगैरह के लिए इट्स लाइक अ परफेक्ट शेड. बिकॉज ऑफकोर्स आपको ऑफिस में कुछ ब्राइट कलर्स आप नहीं पहन सकते हो, यू रियली नीड सम सॉर्ट ऑफ न्यूड और ब्राउन टोन ऑफ अ शेड, तो उसके लिए ये परफेक्ट है. एंड दिस शेड गोज परफेक्टली ऑन ऑल स्किन टाइप, इफ यू आर अ फेयर, इफ यू आर अ मीडियम और इफ यू आर ऑन अ डार्कर साइड, तो ये सब पे जाएगा ये वाला शेड. तो बंच ऑफ लिपस्टिक की बात करते हैं तो ये है एडीएस की 12 लिपस्टिक विच आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़न और मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो के बाद अपलोड कर दूं. आई गॉट इट इन 600 बक्स फॉर 12 लिपस्टिक एंड इट्स अ मैट वाली लिपस्टिक्स, इट्स लिक्विड मैट लिपस्टिक्स एंड यू विल नॉट बिलीव इट गाइज. लाइक ऐसा नहीं है कि अभी आया है, मेरे को ये 2 महीने हो गए हैं ये वाली लिपस्टिक यूज करते हुए, तो मैं इनको बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, लाइक इन वेडिंग्स, इन पार्टीज, इन ऑफिस, लाइक ईच एंड एवरीवेयर मैंने इन लिपस्टिक्स को यूज कर लिया, सारे कलर यूज कर लिए हैं. तो पूरा फुल रिव्यू मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो में दूंगी, तो मेक श्योर that you watch this particular video. उसके लिए आप घंटी बजाना मत भूलना, otherwise you'll not get the notification when I'll upload this particular video. Okay, so now let's move on to the skincare products. और उसमें मेरा है ये soap which I got it from Nykaa. Like ये मैंने नया पैकेट ही मंगवाया, मुझे कल ही रिसीव हुआ है. जब ये Nykaa के soap लॉन्च हुए थे मैंने एक मंगवाया था, थोड़ा महंगा है but it's worth price. I really loved this. Like my mom says कि इतना महंगा साबुन कौन यूज करता है, और मैं साबुन यूज भी नहीं करती हूँ, आई यूज शावर जेल्स, बट आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई. इससे पहले मैं एक दूसरा वेरियंट यूज कर चुकी हूँ, आई डोंट रिमेम्बर द वेरियंट नेम, बट इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियंट अवेलेबल है. आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस भी टाइप का वेरियंट आपको पसंद है आप ले सकते हैं. इस टाइम मैंने मंगवाया है लेमन ग्रास एंड ओट वाला बाथिंग बार, दैट इज कॉल्ड साबुन इन हिंदी. So yeah, it came in this jute bag. I really love its packing. बहुत ही fancy packing है. ये जूट बैग आपके बाद में ज्वेलरी वगैरह रखने के काम आ जाएगा, जो कि मैं यूज करने वाली हूँ. सो सेकेंड वन इज अबाउट लिप्स. लाइक लिप्स आर सो इम्पोर्टेंट. इफ यू आर पुटिंग अ लिपस्टिक देन यू रियली नीड अ गुड लिप बाम टू मॉइस्चराइज देम, जिससे कि आपके लिप्स टैप ना दिखे. तो ये न्यूली लॉन्च्ड है, दीज आर इन द शेप मैक्रॉन. सो मैक्रॉन्स आपने खाए होंगे, लाइक मुझे तो बड़े पसंद है मैक्रॉन्स. सो आई गॉट इन द 2 वेरियंट्स, वन इज वनीला एंड सेकेंड वन इज चॉकलेट हेजलनट एंड दीज स्मेल सो फ्रिकिंग गुड गाइज एंड आई रियली लव दिस. तो इसके अंदर बहुत सारे वेरियंट्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड ट्राई विच एवर वेरियंट यू लाइक. मुझे ये 2 पसंद आए तो मैंने 2 खरीद लिए. ओके सो द नेक्स्ट आइटम इज इन द हेयर केयर एंड इट्स अ शैम्पू. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड St.Botanica. It's a Moroccan Argan shampoo and it is free from paraben, sulfate and harmful chemicals and it has no silicone, no mineral oil, it has pure oils. So yeah, मैंने ये खरीदा एंड मैं ये कहूंगी कि आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस शैम्पू. मैं इसको पास्ट 3 मंथ से यूज कर रही हूँ एंड मैंने बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मेरे बालों में. तो इसके अंदर ऑर्गेनिक एर्गन ऑयल है, एलमंड ऑयल है, सिल्क प्रोटीन है, रोजमेरी ऑयल है, जैस्मिन ऑयल, जोजोबा ऑयल, ग्रीन टी, लाइक ऑल ऑयल्स हैं इसके अंदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैराबीन सल्फेट, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. तो ये मेरे बालों को टेक्स्चर को बहुत अच्छे से सूट कर गया. लाइक माय बालों का टेक्स्चर इज लाइक स्कैल्प्स थोड़े ऑयली हैं एंड नीचे के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई और फ्रिजी सॉर्ट ऑफ रहते हैं. तो मुझे मेन कंसर्न मेरा यही था कि मैं इसी टाइप का कोई शैम्पू खरीदूं एंड आई एम रियली लविंग दिस शैम्पू. थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, इट्स फॉर 800 बक्स एंड यू गेट 300 ml ऑफ प्रोडक्ट, बट इट्स वर्थ प्राइस गाइज. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस अगर आपका बालों का टेक्स्चर मेरे बालों जैसा ही है तो.
और ये मैं 3 मंथ से यूज कर रही हूँ, तो यार 800 में 3 महीने चल जाए, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए, और ये आराम से मेरा 1-1.5 महीने और चल जाएगा। तो नेक्स्ट आइटम जो है स्ट्रेटनर, मुझे ये ट्रेसेमे के शैम्पू वाले किट में मिला था, जिसमें कि आपको शैम्पू, कंडीशनर और एक हेयर स्टाइलिंग टूल मिलता है। तो यस, ये स्ट्रेटनर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लाइक मेरे पास है दूसरा बड़ा स्ट्रेटनर जस्ट फॉर द पर्पस दैट इट इज सो ट्रेवल फ्रेंडली दैट इट इज सो ट्रेवल फ्रेंडली एंड इट्स क्यूट लिटिल मिनिएचर ऑफ अ स्ट्रेटनर। लाइक आप इसको अपने बैग में ले जा सकते हैं और कहीं पे भी अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हैं, यू विल बी जस्ट सॉर्टेड विद दैट। सो या आई विल बी गिविंग अवे दीज टू आइटम्स टू वन लकी विनर, सो लेट्स सी हु विंस। ओके, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल बटन, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग गिविंग अवे शाउट आउट टू वन ऑफ यू गाइज। ज्यादा से ज्यादा मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेजोरिटी पीपल गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके। एंड गाइज, ऐसा मत कीजिएगा कि आप सिर्फ गिव अवे के लिए सब्सक्राइब करें उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे पता चल जाएगा, तो प्लीज डोंट डू दिस, आई विल जस्ट इंस्टेंटली ब्लॉक दैट पर्टिकुलर पर्सन अगर उसने ऐसा किया तो। ओके, और अगर कोई लड़का भी जीतता है तो वो अपनी मॉम, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकता है। सो यस, बॉयज आर आल्सो वेलकम टू एंटर इन द गिव अवे, नॉट ओनली गर्ल्स। तो यह मेरा आज का करंट फेवरेट्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेक श्योर कि आप लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल बटन दबाना आपको ऑफ कोर्स नहीं भूलना है, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, अंटिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश, बाय।